हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहेंगे। तो आइए, फिर से आपका स्वागत है केमिस्ट्री की दुनिया में। तो अभी आप पढ़ रहे हैं जो चैप्टर का नाम है तत्वों का निष्कर्षण। तत्वों का निष्कर्षण, तो बारी बारी से मैंने आपको कई तत्वों का निष्कर्षण बता चुका हूँ, जिसे आपको परीक्षा के लिए तैयारी कर लेना है और निश्चित रूप से वह परीक्षा में पूछा जाता है। तो उसमें आपको अयस्क का नाम और निष्कर्षण दोनों निश्चित रूप से याद रखना है, जो कि आपको यदि अयस्क का नाम याद रखते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। इसलिए निश्चित तौर पर सभी तथ्यों का जो मैंने लिखा दिया है उसके मुख्य अयस्क के नाम और निष्कर्षण निश्चित तौर पर आपको याद कर लेना है। अब आप ये देखिए कि आज का जो टॉपिक है वो धातुओं के शोधन की विधियाँ। तो अभी जो आपने निष्कर्षित किया धातु को, मतलब उस अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण किया, तो उस प्रकार से निष्कर्षित धातुओं में कुछ न कुछ अशुद्धियाँ रह जाती है। अर्थात वह जो आप धातु का निष्कर्षण करते हैं वो 100% शुद्ध आपको नहीं मिलता है। तो उसके लिए कुछ प्रक्रिया अपनाई जाती है जिससे उसका प्योर रूप निष्कर्षित किया जा सके, चाहे शुद्ध रूपों में प्राप्त किया जा सके। तो वही प्रक्रिया के बारे में आपको आज बताऊंगा कि धातुओं का शोधन, मतलब उसको शुद्ध कैसे किया जाता है। निष्कर्षित धातु में कुछ अशुद्धियाँ जैसे सिलिका, फॉस्फोरस, कार्बन इत्यादि जो है बिल्कुल उससे दूर नहीं हो पाते हैं, कुछ न कुछ उसकी मात्रा रह जाती है जिसे शुद्ध किया जाता है। तो शुद्ध करने का पहला जो विधि है या पहला तरीका है, उस विधि का नाम है श्रवण विधि, डिस्टिलेशन मेथड, श्रवण विधि। तो अब श्रवण विधि के द्वारा आखिर के किस प्रकार के धातु का शोधन किया जाता है, तो यह जो विधि है श्रवण विधि, तो इस विधि के द्वारा वैसे धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है। मतलब श्रवण विधि के द्वारा वैसे धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है जो आसानी से वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? आसानी से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो उसमें है कौन सी धातु? तो जैसे जिंक, क्या हुआ? जेडेन, जस्ता, जिंक हुआ, कैडमियम, सीडी, पारा, एचजी, ये जो धातुएं हैं उसे कम गर्म करने पर ही वह क्या होता है, वह वाष्पित होने लगता है। तो इसी प्रकार की धातुओं को शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं कि श्रवण विधि का प्रयोग करते हैं। अब इस विधि का क्या फंक्शन है, इसमें कैसे शुद्ध किया जाता है? तो इस विधि में अशुद्ध धातु को क्या करते हैं, अशुद्ध धातु। तो कौन अशुद्ध धातु? इन तीनों में से कोई, जैसे जिंक अशुद्ध हो, चाहे कैडमियम अशुद्ध हो या पारा अशुद्ध हो, तो इसको शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं कि अशुद्ध धातु को लोहे के एक रिटॉर्ट, मतलब लोहे के एक बर्तन, साधारण सी आप अगर कड़ाही जिसको कहते हैं, जो घरेलू उपयोग में काम किया जाता है, जो कि लोहे का बना होता है, तो उसी प्रकार से एक बर्तन होता है जिसका नाम यहाँ पर रिटॉर्ट रखा गया है। तो उसमें क्या करते हैं कि हम अशुद्ध धातु को रख कर और उसमें क्या करते हैं,
नीचे से हीट देते हैं, वाष्प देते हैं, जिस कारण से वह गर्म हो जाता है और गर्म होकर के क्या हो जाता है, वाष्पित होने लगता है। जैसे ही उसको वाष्प मिलेगा तो धीरे धीरे गर्म होकर के काफ़ी हीट होने के बाद क्या होगा, वह वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। और उस बर्तन में एक ऐसी पाइप लगी होती है जिसके द्वारा जो वाष्पित गैस होते हैं, मतलब जो धातु को आपने गर्म किया वह जो वाष्प निकलता है, उस वाष्प को उसके सहारे एक दूसरे बर्तन में जिसे ग्राहक कहा जाता है उसमें जमा कर लिया जाता है। क्या करते हैं इस विधि में, अशुद्ध धातु को लोहे के एक रिटोर्ट में, मतलब लोहे के बर्तन में रख कर और उसे गर्म करने का काम करते हैं, जिससे गर्म करने के बाद वह निकलने वाले वाष्प क्या होता है, मैंने पहले बताया कि वह मतलब हीट लगने के बाद क्या होता है, वह वाष्प रूप में परिवर्तित होने लगता है। और उस वाष्प को एक अलग ग्राहक में, मतलब एक पाइप के जरिए जो वाष्प निकलता है उसको दूसरे बर्तन में जिसे ग्राहक कहा जाता है में जमा कर लेते हैं। अब अवाष्पशील अपद्रव जो है, जो बर्तन में हम रखे थे उसी में रह जाता है, तथा शुद्ध धातु जैसे जेडेन या सीडी या ये चीज़ जो है वह क्या होता है कि पूरा का पूरा वाष्प बन करके और दूसरे बर्तन में चला जाता है और अशुद्धि उसी बर्तन में रह जाती है। यही प्रक्रिया के द्वारा इसको शुद्ध किया जाता है, जिससे 100% तो नहीं लेकिन 99% 98% तक शुद्ध धातु की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे जो निष्कर्षण होता है उस निष्कर्षण में मुश्किल से वह 75% 60% 70% तक ही वह धातु मिलते हैं, और उसमें 20-25% अशुद्धियाँ रह जाती है, जिसे दूर करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि श्रवण विधि के द्वारा उन्हीं धातुओं को शुद्ध किया जाता है जो कि कम ताप पर ही वाष्पित होने लगते हैं। तो एक बार और समझ लीजिए, क्या करते हैं कि अशुद्ध धातु को जो आसानी से वाष्पित होने वाले हैं उसको एक लोहे के बर्तन में जिसे रिटॉर्ट कहा जाता है उसमें रख कर उसको गर्म करने का काम किया जाता है। जैसे ही उसको गर्म करते हैं तो वह वाष्पित होना शुरू होता है और उस वाष्प को मतलब एक दूसरे बर्तन में पाइप के सहारे ले जा कर के उसमें जमा कर लेते हैं, और उस वाष्प को ठंडा करने के बाद उस धातु की प्राप्ति हो जाती है, चाहे तथा उसमें जो अशुद्ध है पदार्थ वह रिटॉर्ट में यानी जिस बर्तन में ले करके हम क्या किए थे, गर्म किए थे, उसी बर्तन में वह शेष रह जाता है, और इस प्रकार से शुद्ध धातु हमें प्राप्त हो जाता है। अब दूसरा है द्रवण विधि, मेल्टिंग मेथड, द्रवण विधि। तो इस विधि में आप कैसे शुद्ध करते हैं, चाहे किस धातु को शुद्ध किया जाता है, ये अब आपको जानना है। तो इस विधि के द्वारा, किस विधि के द्वारा, मतलब द्रवण विधि के द्वारा टीन जैसी धातुओं को शुद्ध किया जाता है। क्या किया जाता है, टीन जैसी धातुओं को शुद्ध किया जाता है जो आसानी से पिघल जाता है। मतलब टीन को आप क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो वो आसानी से पिघल जाएगा। ये नहीं कि उसके लिए 500, 1000 या 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना पड़े, ऐसा बात नहीं है। वह क्या है, 200 से ऊपर जैसे ही जाएगा वह टीन जो है द्रव के रूप में पिघलने लगेगा। तो क्या है, द्रवण विधि, इस विधि के द्वारा टीन जैसी धातुओं को शुद्ध किया जाता है
जो आसानी से पिघल जाती है। अशुद्ध धातु को एक ढलकाव भट्टी पर गर्म करते हैं, क्या करते हैं उसको एक ढलकाव भट्टी पर गर्म करते हैं। उस गर्म करने पर क्या होता है कि वह अशुद्ध धातु में से शुद्ध धातु जो है गल कर और धीरे धीरे नीचे आने लगता है, और अशुद्धियां जो है उसी ढलकाव वाली भट्टी पर रह जाता है, जिसका चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यही है ढलकाव वाली भट्टी, मतलब यहाँ से इसको क्या किया जाता है, हीट किया जा रहा है, मतलब इसको ज्वाला दिया जा रहा है, वाष्पित किया जा रहा है। और इस ढलकाव वाली भट्टी पर क्या हम किए कि अशुद्ध धातु को रख दिए, क्या किए अशुद्ध धातु को रख दिए और नीचे से वाष्प देना शुरू करते हैं, जलाना शुरू करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जैसे ही ये बर्तन क्या होगा, गर्म होगा, और अशुद्ध जो टीन है उसमें से टीन क्या है कि आसानी से गलने लगेगा, और गलने के बाद क्या होगा कि देखिए ये अशुद्ध जो है उसमें से टीन का अंश जो है धीरे धीरे गल करके आगे ढलकाव की ओर ढलकते जाएगा। और यहाँ पे क्या है, एक बर्तन रखा हुआ है, इसी बर्तन में जितना भी शुद्ध धातु होगा मतलब टीन का अंश जो होगा वो सारा का सारा पिघल करके धीरे धीरे इस बर्तन में जमा हो जाएगा, और अशुद्धियाँ जैसे के तैसे इस ढलकाव वाली बर्तन में रह जाएगी और एकदम शुद्ध टीन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपको दूसरी विधि है, द्रवण विधि। तो इसके द्वारा टीन जैसे जो आसानी से पिघलने वाले धातु होंगे उन्हीं धातुओं को ही इसके द्वारा शुद्ध किया जाता है, ऐसे विशेष करके टीन के लिए ही इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि दो तरह से हम क्या किए, धातुओं का शुद्धिकरण कर लिए। अब तीसरे प्रकार है जिसका नाम है क्यूपेलीकरण प्रक्रिया। क्यूपेलीकरण प्रक्रिया, इस विधि के द्वारा भी क्या होता है कि धातुओं को शुद्ध करने का काम किया जाता है। तो क्यूपेलीकरण प्रक्रिया जो है इसमें, जैसे सिल्वर धातु को, अगर मैंने आपको बताया था कल कि सिल्वर धातु को निष्कर्षित करने के लिए जो विधि का प्रयोग किया जाता है जिसमें एल्यूमिनियम के द्वारा अवकरण कराया जाता है, तो आपने सिल्वर तो प्राप्त कर लिया लेकिन उसमें जो लेड का कुछ अंश होता है वह अशुद्धि के रूप में रह जाती है, जिसे बिल्कुल शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं कि हम इस क्यूपेलीकरण प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या है कि सिल्वर धातु को लेड जैसी अशुद्धियों को दूर करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें अशुद्ध धातु को एक तस्तरी के आकार का, जिसका मैं फिगर बताऊंगा, वो मतलब तस्तरी के आकार का एक बर्तन होता है जिसका नाम क्यूपेल है, क्या है उस बर्तन का नाम क्यूपेल है, उसमें रख करके क्या करते हैं, जो कि बना किस चीज़ का होता है, तो हड्डी की राख या एस्बेस्टस, सीमेंट का बना होता है, जो कि आप एस्बेस्टस है मतलब कि करकट जो बनी होती है, जो एस्बेस्टस चादर लिखा जाता है, तो उसी प्रकार के पदार्थ का ये बना हुआ बर्तन होता है। तो उसमें रख कर क्या करते हैं कि अशुद्ध धातु को हम उसमें रख कर गर्म करते हैं, मतलब क्यूपेल में रख कर उसको क्या करते हैं,
गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद क्या होगा, वह धीरे धीरे पदार्थ जो है पिघल जाता है। अब पिघले हुए पदार्थ के ऊपर क्या करते हैं कि हम हवा का झोंका प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहला प्रक्रिया क्या हुआ कि हम अशुद्ध सिल्वर को, मतलब सिल्वर में जो लेड अशुद्धि के रूप में शामिल है, उसको हम क्यूपेल बर्तन में रख कर और गर्म करते हैं, जिसे क्यूपेल कहा जाता है। गर्म करने के बाद क्या हो जाता है, वह पिघल जाता है और उसमें अशुद्धि के रूप में क्या है, लेड है, मतलब सीसा है, जिसका संकेत पीवी होता है। तो उसको ले करके क्या करते हैं कि जब वह पिघल जाता है तब उसके ऊपर मतलब हवा का एक झोंका प्रवाहित किया जाता है। क्या किया जाता है, हवा का झोंका प्रवाहित किया जाता है। तब पदार्थ के ऊपर हवा के झोंका प्रवाहित करने से क्या होता है, लेड जो है मतलब सीसा, वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत होकर PVO यानी लेड मोनो ऑक्साइड क्या बनाता है, लेड मोनो ऑक्साइड बनाता है, PVO बनाता है और वह अलग हो जाता है, और जिसका कुछ अंश जो है हवा के झोंका से बह जाता है और कुछ अंश क्यूपेल के द्वारा यानी उस बर्तन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और उसका कुछ अंश क्यूपेल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे सिल्वर धातु ऊपर आ जाती है, और इस प्रकार से 99.5% शुद्ध सिल्वर हमें प्राप्त हो जाता है। क्या होता है, 99.5% 99.5% शुद्ध सिल्वर हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस क्यूपेलीकरण प्रक्रिया को एक बार फिर से समझें कि ये क्यूपेलीकरण प्रक्रिया क्या है। इसमें सिल्वर धातु में जो मौजूद अशुद्धि के रूप में लेड है, उसे दूर करने का काम इस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि उस अशुद्ध सिल्वर को हम एक क्यूपेल नामक बर्तन में रख कर गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद क्या होता है कि वह पिघल जाता है। पिघलने के बाद उसके ऊपर हम हवा का झोंका प्रवाहित करते हैं। ऐसा करने से उसका कुछ भाग ऑक्सीकृत होकर PVO बन जाता है और उससे अलग हो जाता है, तथा उसका कुछ अंश उसके बर्तन के द्वारा क्यूपेल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और इस प्रकार से 99.5% शुद्ध सिल्वर हमें प्राप्त हो जाता है। तो अब आगे मैं आपको सिल्वर के ये जो क्यूपेलीकरण प्रक्रिया है उसका फिगर बनाने जा रहा हूँ, और फिगर के द्वारा भी समझा देते हैं कि किस प्रकार से उसे गर्म किया जाता है। तो देखिए, ये क्यूपेलीकरण प्रक्रिया जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो यही जो है वो बर्तन है जो कि क्यूपेल, इसका नाम क्या है, क्यूपेल। क्यूपेल एक बर्तन का नाम है, और इसी में रख कर के इस प्रक्रिया को हम करते हैं, और इसमें रख कर उसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। इसीलिए इस प्रक्रिया का नाम क्या है, क्यूपेलीकरण प्रक्रिया है, जिसके द्वारा इसको शुद्ध करने का काम किया जाता है। अर्थात इसी क्यूपेल आकार के बर्तन में क्या करते हैं कि सिल्वर धातु को लेड से मुक्त कराने का काम करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले अशुद्धि को हम इस बर्तन में रख करके उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो कि ये जो पात्र बना हुआ कौन चीज़ का है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये एस्बेस्टस सीमेंट का बना होता है या हड्डी की राख की बनी होती है, जिसमें रख कर इसको गर्म करने से क्या होता है, यह पिघल जाता है, और पिघल जाने के बाद उसके हवा को झोंके प्रवाहित किया जाता है पिघले हुए पदार्थ के ऊपर।
जिसके परिणाम स्वरूप क्या करता है, लेड जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके लेड मोनोऑक्साइड PbO बना करके दूर हो जाता है तथा लेड का कुछ अंश को यह बर्तन जो क्यूपेल है उसको अवशोषित कर लेता है और शुद्ध सिल्वर हमें प्राप्त हो जाता है। तो यह जो है क्यूपेलीकरण की प्रक्रिया है। अब आप एक चौथा जो विधि है उसको शुद्धिकरण के उसको आप यह देखें, उसका नाम है ऑक्सीकरण विधि, ऑक्सीडेशन मेथड जिसे कहा जाता है। तो यह क्या है, अब ये जो है इस विधि के द्वारा वैसे धातु को शुद्ध किया जाता है जिसमें उपस्थित जो अशुद्धियाँ होती है वह ऑक्सीजन से संयोग करने की प्रबल क्षमता रखता है, उसी प्रकार के धातु को ही इसके द्वारा शुद्ध करने का काम किया जाता है। अब होता क्या है कि इस विधि में अशुद्ध धातु को एक उपयुक्त भट्टी में ले करके और उसको क्या करते हैं, गर्म करने का काम करते हैं। मतलब क्या करते हैं कि अशुद्ध धातु को रख करके और भट्टी पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होगा, ऑटोमेटिक है कि वह पिघल जाएगा, जिससे वह क्या होता है, पिघल जाता है। क्या पिघल जाता है, जो अशुद्धि आपने उसमें रखा था और जिसको गर्म किया था वह क्या हो जाता है, मोल्टेन हो जाता है, मतलब पिघल जाता है। अब पिघलने के बाद क्या है कि अब पिघले हुए भाग पर, मतलब उसके पिघले हुए भाग पर हम वायु प्रवाहित करते हैं, मतलब हवा का झोंका प्रवाहित किया जाता है। अब प्रवाहित करने से क्या हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप, मतलब हवा को प्रवाहित करने के परिणाम स्वरूप अपद्रव्य, मतलब उसमें जो अशुद्धियां हैं, क्या है, अपद्रव्य है, अशुद्धियाँ हैं, जिसे गैंग मैट्रिक्स आधात्री कहते हैं। तो ये अपद्रव्य अशुद्धि ऑक्सीकृत होता है, मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और ऑक्सीकृत होकर के द्रवित धातु की सतह पर, मतलब द्रव जो पिघल गया उसकी ऊपरी भाग पर सतह पर फेन के रूप में इकट्ठा हो जाता है। फेन के रूप में क्या होता है, जमा हो जाता है। मतलब किसी चीज़ की बर्तन में रख करके अगर आप किसी पदार्थ को गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, पिघल जाएगा, और पिघलने के बाद उसकी सतह पर, मतलब ऊपरी भाग पर, इसको जो अपद्रव्य है, अशुद्धि है, वो ऑक्सीकृत होकर के फेन के रूप में उस सतह पर जमा हो जाता है। अब उस सतह पर से फेन के रूप में जमा हो जाता है, जिसे हम काच करके, मतलब ऐसे उसे इस तरह से काच करके क्या करते हैं, हटा लेते हैं और शुद्ध धातु हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस विधि के द्वारा जो ऑक्सीजन जिसमें उपलब्ध होता है उसी को शुद्ध करने का काम किया जाता है। जैसे PbO लेड ऑक्साइड है, कि उसी U2O कॉपर ऑक्साइड है, Fe2O3 इत्यादि। मतलब कहने का अर्थ है कि ऑक्साइड है इसको का ही इसके द्वारा शुद्धिकरण संभव है। एक मिनट इसको अटके। तो आज मैं अपने क्लास को यहीं पर एंड करता हूं, और आप देखते रहिए दीप यार का यूट्यूब चैनल और लाभ लेते रहिए। और जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि सबसे आप अच्छा करेंगे और अपना मेहनत करते रहिए, मैं आपके पीछे लगा हूं और अपना मेहनत जी जान से कर रहा हूं। इस प्रकार से आप भी अपना मेहनत करके और अच्छा से अच्छा अंग हासिल करें कि मेरा भी नाम हो और साथ साथ आपका भी नाम हो। जय हिंद, जय भारत। Thank you.